दोस्तों नमस्कार, मैं नैन टेक्नोलॉजी इनके सारस्वत। दोस्तों आज हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सामने लेके आए हैं जो मार्केट में POS बिलिंग करता है, जो हमारे रेडीमेड भाइयों के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स की जिनकी शॉप्स होती हैं, मॉल होते हैं, बाकी हमारा शूज शोरूम है, यानी किसी भी रिटेल मार्केट के लिए ये हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है, मोस्टली गारमेंट शोरूम। इसमें हमने आपको दिखाएंगे आज किस किस तरह से इसमें वर्किंग की जाती है। तो दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आज मैं पहले बताता हूँ आपको लॉगिन कैसे किया जाता है। लॉगिन करने के लिए आपको विंडो सामने दिए रखी है, इसमें लॉगिन करना है 1 यूजर नेम 1। बाई डिफॉल्ट हम सॉफ्टवेयर सभी सॉफ्टवेयर में अपने में 1 यूजर पासवर्ड देते हैं। लॉगिन कर लिया हमने तो दोस्तों हमारे सामने ये अपना सॉफ्टवेयर है ई स्टोर, ये आपके सामने ओपन है। इसमें आपको हम स्टेप बाई स्टेप बताते हैं आपको सबसे पहले क्या करना होता है। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने खाते खोलने होते हैं, यानी हमारी जो पार्टियाँ हैं, कस्टमर हैं और वो पार्टियाँ हैं, उनके खाते खोलने। जैसे आपने यहाँ पे शॉर्टकट की राइट में देख रहे होंगे आप, कंट्रोल ए न्यू अकाउंट के लिए, कंट्रोल आई आइटम खोलने के लिए, कंट्रोल क्यू जो हमारी POS सेल है उसके लिए, कंट्रोल एस सेल करने के लिए, F5 क्विक पेमेंट के लिए, F6 की रिसीव के लिए, F7 जनरल के लिए, ये आपका कंट्रोल एन बैंक एंट्री करने के लिए, कोई भी बैंक एंट्री करनी है तो FN से यूज करके उसका वाउचर यूज कर सकते हैं, कंट्रोल पी परचेज करने के लिए, GST वाउचर के लिए कंट्रोल जी। तो इस तरह से हमने ये शॉर्टकट की राइट की बना रखी है इसमें आपके। और इसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको अकाउंट्स कैसे खुलता है। कंट्रोल ए ऑप्शन का प्रयोग करके हमें यह मीनू एड्रेस मीनू आ जाता है। एड्रेस मीनू में आपका न्यू करना होता है, न्यू के बाद यहाँ पे खाता खोलेंगे, जैसे आपका MOS मोहन एंड कंपनी, इस तरह से आपका न्यू अकाउंट बना लेंगे। अब ये क्या है, आपका कस्टमर है तो कस्टमर में डाल देंगे, इसको आप माल सप्लाई करते हैं। और यहाँ पिछला बकाया जो पिछली ओपनिंग बैलेंस होती है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो डाल देंगे। एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आपने एड्रेस डाल दिया, यहाँ उसका एरिया डाल दिया, यहाँ पिन कोड डाल दिया, और यहाँ पे आपका स्टेट कौन से स्टेट से है वो बिलोंग करता है, तो ये स्टेट डाल दिया 09, इसका पूरा एड्रेस। यहाँ देखो आपने जैसे 09 डाला तो यहाँ पे पार्टी अनरजिस्टर्ड दिखा दी, अगर उसका GST नंबर है तो GST नंबर टाइप करके और उसका पूरी डिटेल आप अपने जो 15 अंक का GST नंबर होता है वो डाल सकते हैं आप इसमें। और ये डालने के बाद देखो ऑटोमेटिकली क्या करेगा सॉफ्टवेयर, आपका पार्टी GST डीलर्स बना दिया उसने, और पैन कार्ड भी अपने आप क्लिक कर दिया। यहाँ पे उसकी एनिवर्सरी डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, बैंक की अकाउंट डिटेल डाल सकते हैं, इस तरह से ये सारे खाते बन जाते हैं। खाता वन टाइम बनता है इस सॉफ्टवेयर में, एक बार खाता बन गया सारा सिस्टम सेव हो गया तो ये आपका ऐड हो गया खाता। इसी तरह से आपका जैसे मोहन कंपनी से रामा एंड कंपनी, इसमें दो तरह के खाते मोस्टली बनाए जाते हैं, कस्टमर और सप्लायर्स जो आपको माल सप्लाई कर रहा है। सप्लायर्स का खाता सप्लायर्स ग्रुप में डलेगा, जिस तरह से उसमें डाला था उसी तरह से इसमें भी आपको पूरा उसका एड्रेस सिटी डाल सकते हैं। और इसमें आपका जैसे किस स्टेट से है, जैसे दिल्ली से है, दिल्ली डाल दिया तो दिल्ली से माल आपके पास आ रहा है, या कहीं से भी आ सकता है इंडिया के किसी कोने से, या इस तरह से इसका GST नंबर डाल दिया। तो GST नंबर परमानेंट डालना जरूर होता है, GST नंबर नहीं डालेंगे तो सारी GST रिपोर्ट्स आपकी रॉन्ग्स बनेंगी। तो इस तरह से ये आपका ये सप्लायर्स भी एक हमने बना दिया, एक वो बना दिया कस्टमर। तो इस तरह से खाता बना सकते हैं, यहाँ पर खाता बनाने के बाद इसमें आपको किसी भी और एक्सपेंस भी बना सकते हैं, जैसे आपका फ़ोन बिल हो गया या लाइट बिल हो गया, लाइट एक्सपेंस कह सकते हैं इसको, लाइट एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस में चला जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस
अगर फैक्ट्री है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में, डायरेक्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये इस तरह से आपका इसको सेव कर देते हैं। तो ये आपका ऐड हो गया हमारा अकाउंट। ऐड होने के बाद अब आपको नॉर्मली क्या करना है, कभी सर्च करना है तो सर्च हमने ऑप्शंस दे रखा है इसमें। तो यहाँ पे जैसे सब रामायण कंपनी को सर्च करना है तो आ रही है, दबाया तो अपने आप देखो ऑटोमेटिक रामायण से संबंधित सारे अकाउंट्स आ गए। अगर हमें सिटी मालूम है तो सिटी से भी हम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आगरा का हमें देखना है AGR आगरा, तो वो आगरा के जो भी कस्टमर होंगे वो आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे फिल्टर्स भी दे रखे हैं सर्च ऑप्शन में, किससे आपको सर्च करना है, GST नंबर से सर्च करना, किससे करना है। तो यहाँ से आपका ये बहुत ही प्यारा ऑप्शंस है, इसमें आप बाई नेम, बाई ग्रुप, बाई सिटी, तो किसी भी तरह से आप सर्च कर सकते हैं इसमें। अब जैसे सपोज करो ये तो हमने अकाउंट बना लिया, अब उनका कोई भी बर्थडे है, उनको आपको मैसेज करना है, तो बर्थडे पे आपने यहाँ से SMS पे क्लिक किया या मैसेज टाइप किया तो सभी पार्टियों को मैसेज, यानी स्कीम को ही हमने निकल के आई है, स्कीम का मैसेज भी आपको ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से हमारा ई स्टोर सॉफ्टवेयर में आपका अकाउंट्स किस तरह से खोला जाता है, उसमें कोई चेंजिंग करनी है उसके लिए हमने बताया आपको, सर्च पे जाके उसका रामायण कंपनी आपने क्लिक किया और उस पर डबल क्लिक करके ये आप कोई भी चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक ई स्टोर सॉफ्टवेयर में आपको किस तरह से आपको एड ऑन करना है पार्टी को, किस तरह से उसको एडिट करना है, किस तरह से उसको न्यू खाते खोलने हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको ये चैप्टर था हमारा कि अकाउंट किस तरह से खोलेंगे और उसका सप्लायर्स का एक्सपीरियंस नेचर का, तो ये मैंने आपको आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपको बताएंगे हम आइटम किस तरह से बनते हैं और उसकी एंट्री कैसे होती है। दोस्तों धन्यवाद।